नमस्ते दोस्तों, सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी सहयोगी गायत्री और अंजलि भी होंगी, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की सरकार पर जमकर हमला बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के करप्शन से जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। टीएमसी सरकार के कुशासन से लोग नाराज हैं। केवल बीजेपी ही पश्चिम बंगाल के लोगों के सपनों को पूरा कर सकती है। तो ये बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस के कुशासन पर जमकर हमला बोला है और प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए इस बात का जिक्र किया कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो पश्चिम बंगाल के लोगों के सपनों को पूरा कर सकती है, उनके हर एक सपने को साकार कर सकती है। प्रधानमंत्री का जलपाईगुड़ी का दौरा और उस दौरे से पहले प्रधानमंत्री का ये ट्वीट ये दिखाता दर्शाता बताता है कि प्रधानमंत्री आज रैली में भी जमकर हमला बोलेंगे तृणमूल कांग्रेस पर। क्या ईडी, क्या सीबीआई, क्या आतंकवादी, सबको वहां संरक्षण मिलता है, यही तो है ममता जी का बदला। तो बड़ा सवाल है कि हमने वाली सियासत आखिर कब तक। पश्चिम बंगाल के हुगली की बात करें तो यहां से बीजेपी के सांसद लॉकेट चैटर्जी पर हमला हुआ है। बीजेपी सांसद का यह सीधा आरोप है कि उन पर टीएमसी के गुंडों ने हमला किया है। ये पूरा मसला क्या है, आइए इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बढ़ते प्रभाव से टीएमसी नेता घबराए हुए हैं। बौखलाए टीएमसी नेता और समर्थक वहां खुद ही लगातार कानून व्यवस्था को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। शनिवार सुबह भूपति नगर ब्लास्ट केस के सिलसिले में जांच करने गई एनआईए टीम पर हुए हमले को लेकर बवाल अभी थमा भी नहीं है कि एक बार फिर टीएमसी नेता और उनके समर्थकों ने बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी पर हमला करके ये संकेत दे दिया है कि साल 2023 में पंचायत चुनाव की तरह ही वो इस बार भी हिंसा करने से नहीं चूकने वाले। जानकारी के मुताबिक टीएमसी समर्थकों ने बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी पर यह हमला तब किया जब लॉकेट चैटर्जी चुनावी अभियान खत्म करके अपनी कार से वापस लौट रही थी, लेकिन जैसे ही बीच रास्ते में उनकी गाड़ी काली तला नाम की एक जगह पर मां काली की पूजा दर्शन के लिए रुकी। आरोप है कि टीएमसी नेता शिल्पी चैटर्जी के इशारे पर उनके समर्थकों ने पहले वहां हंगामा करना शुरू कर दिया और फिर उन पर हमला किया। हम लोग का प्रचार चल रहे थे, 9:30 बजे जब पूरा थोड़ा सा खाली था, काली पूजा चल रहे थे, मैं काली पूजा में गई थी। वहाँ पे सब आसपास का लोग था, बहुत सारा महिला लोग था, हम लोग एक साथ पूजा में पार्टिसिपेट कर किया था। पूजा से पार्टिसिपेशन के बाद जो मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम था, मैंने गाड़ी में उठा, थोड़ा सा गया, देखा लंबा लंबा बांस को लेके और उसमें बैम्बू के साथ ब्लैक फ्लैग लेके आया और बहुत सारा लोग, अचानक देखा पूरा गाड़ी घेर लिया, गाड़ी में तोड़फोड़ हुआ, बहुत सारा गाड़ी में मतलब मारने का कोशिश कर रहे थे और सामने एक लोग हमारा सिक्योरिटी था वो बाहर चला गया था, तो कोई गाड़ी में उड़ने का रात में कोशिश कर रहे थे, हमारा ड्राइवर ने उसको साइड किया, हटाया। बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी का आरोप है कि हमले के पीछे टीएमसी नेता शिल्पी चैटर्जी हैं और उन्हीं के इशारे पर उनके समर्थकों ने उन पर हमला किया है। उनका ये भी आरोप है कि स्थानीय पुलिस को हमले की खबर दिए जाने के बाद भी पुलिस ने उनकी कोई मदद नहीं की। पता चला कि टीएमसी काउंसिलर वाइस चेयरमैन बाजबेरिया शिल्पी चैटर्जी एंड वहां का काउंसिलर 22 नंबर का रंजीत सरकार और बहुत सारा लोग, तो उनका नेतृत्व में यह हमला हुआ है, क्योंकि मैंने पूरा जो यहां का करप्शन है, माफिया गुंडा का करप्शन यहां पे पूरा चल रहा है, पूरा यहां पे जो लोग है वो मैं सामने लेके आ रही हूं, इसलिए सब लोगों का डर है, टीएमसी डर हो गया, इसलिए मुझे मतलब मारने का, मेरा मतलब ये सब कोशिश कर रहे हैं, मेरे ऊपर अटैक करने का कोशिश कर रहे हैं।
आपको बता दें, बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी हुगली से मौजूदा सांसद हैं। बीजेपी ने उन्हें दोबारा यहां से टिकट दिया है। उन्होंने 2019 के चुनाव में टीएमसी की डॉक्टर रत्ना डे को हराया था। वहीं इस हमले के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत भी गर्मा गई है। इस हमले की जानकारी मिलने के बाद बीजेपी आईटी हेड अमित मालवीय ने घटना का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि आज रात स्थानीय पार्षद शिल्पी चैटर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने बीजेपी सांसद और हुगली लोकसभा सीट से उम्मीदवार लॉकेट चैटर्जी की कार पर हमला किया। उस समय वो बांसबेरिया में काली पूजा से लौट रही थी। शिल्पी और उनके गुंडों का गिरोह ऐसा करने का साहस इसलिए कर सकता है क्योंकि वो जानते हैं कि ममता बनर्जी की पुलिस मूक दर्शक बनी रहेगी। ये इस बात का पक्का संकेत है कि टीएमसी फिर से हुगली हार रही है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा कोई नई बात नहीं है। वहाँ पिछले साल हुए पंचायत चुनाव के दौरान भी जमकर हिंसा हुई थी जिसमें कई लोगों की जानें चली गई थी। और इस बार जिस तरह से एक बार फिर लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में हिंसक घटनाएं शुरू हो गई हैं, उसे देखते हुए ये आशंका लोगों को सताने लगी है कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाओं में इजाफा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जैसा कि 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव का पहला चरण है और लगातार पीएम नरेंद्र मोदी खुद चुनाव प्रचार प्रसार में उतरे हुए हैं, जहां यूपी के मेरठ से शुरुआत करने के बाद लगातार बिहार, बंगाल और उसके बाद फिर से यूपी का दौरा करने के बाद एक बार फिर से बिहार में पीएम नरेंद्र मोदी आज नजर आएंगे। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में वो रोड शो भी करेंगे, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भी जनसभा करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। और 4 अप्रैल को जहां जमुई से उन्होंने बिहार की शुरुआत की थी चुनाव प्रचार की, और आज नवादा में पीएम नरेंद्र मोदी चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। और पिछले साल की अगर बात की, पिछले लोकसभा चुनाव की बात की जाए 2019 में यहां पर गिरिराज सिंह के समर्थन में वोट मांगते हुए नजर आए थे, और इस बार पीएम नरेंद्र मोदी नवादा में चुनावी हुंकार एक बार फिर से भरते हुए नजर आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और बात प्रधानमंत्री की रैली और रैली के बीच चिराग पासवान का क्या कुछ कहना है। दरअसल चिराग पासवान ने इस बात का जिक्र किया है कि न सिर्फ बिहार बल्कि देश भर के अंदर एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ इस बार चुनाव लड़ेगा, और न सिर्फ मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा बल्कि बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए गठबंधन जीत दर्ज करेगा और बिहार में डबल इंजन की सरकार एक बार फिर से जो है वो बनेगी। डबल इंजन की सरकार से ही विकास होगा, इस बात का भी जिक्र चिराग पासवान ने किया है। और साथ ही चिराग पासवान ने दावा किया है कि बिहार की 40 सीटें बीजेपी जीतेगी। एनडी पे ना सिर्फ बिहार को बल्कि पूरे देश को और अब तो दुनिया को भी इस गारंटी पर विश्वास होने लगा है। ऐसे में जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी की गारंटी है, वहीं हमारे गठबंधन की मजबूती है जो इस बात के विश्वास को दिलाती है कि आने वाले दिनों में बिहार की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। आज नवादा की सीट पर मैं जा रहा हूँ, मेरे साथी मेरे भाई जो कि अभी भी मौजूदा सांसद हैं राज्यसभा से, पर अब बहुत जल्द अब वो हमारे सदन में आएंगे, लोकसभा में वो आएंगे, उनके प्रचार में हम जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी होंगे। और अब बात करेंगे कांग्रेस के मैनिफेस्टो की। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बीजेपी ने बड़ा तंज कसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप है, तो वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी पर हमला किया। इस रिपोर्ट में देखिए, कांग्रेस के घोषणा पत्र ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक और संजीवनी दे दी है, ऐसी संजीवनी जो बीजेपी के 400 पार नारे को चिरंजीव बना रहा है और कांग्रेस को और पीछे धकेल रहा है। कांग्रेस 2024 के अपने मैनिफेस्टो को अब तक का सबसे अच्छा घोषणा पत्र बताने में जुटी है, तो वहीं बीजेपी घोषणा पत्र पर कांग्रेस को जमकर लताड़ लगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में वो सोच झलकती है जो आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है, इसका जो कुछ हिस्सा बच गया
उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। मुस्लिम लीग के उस समय के विचारों को कांग्रेस आज भारत पर थोपना चाहती है। मुस्लिम लीग की छाप वाले इस घोषणा पत्र में जो बचा खुचा हिस्सा था उसमें वामपंथी लेफ्टिस्ट हावी हो गए हैं। पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पलटवार किया, कहा हिंदू महासभा के अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जो बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके सरकार में शामिल।